मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सुभाष बोहत एडवोकेट, जिला पंचायत की पूर्व नेता प्रतिपक्ष सुभाषिनी बोहत एडवोकेट डॉक्टर वसुंधरा बोहत एवं कांग्रेस के अन्य साथियों ने आज कई ग्रामों में नागरिकों से जनसंपर्क किया। उनकी समस्याओं को जाना और सभी ग्रामों में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कर नागरिकों की समस्याओं के निराकरण में सहयोग देने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री सुभाष बोहत एडवोकेट ने कहा कि कुरवाई विधानसभा क्षेत्र की हालत भाजपा सरकार में बद से बदतर है। राशन कार्ड, पेंशन, शौचालय का पैसा, कुटीर सहित ग्रामों में हेडपंपों की हालत बद से बदतर है। जिन लोगों का नदी से नुकसान हुआ था, मकान गिरे थे, उन्हें आज तक पैसा नहीं मिल पाया है। जिन लोगों को बैराज डैम या अन्य डैम में आई भूमि की सहायता राशि मुआवजे के रूप में नहीं मिल पाई है, ऐसी अनेकों समस्याएं आम नागरिक लिए घूम रहा है, लेकिन उसकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। कहीं अन्यत्र जगह नई जमीन पर पट्टे दिए जाए और पट्टे देने के बाद इनको कुटीर के लिए भी पैसे दिए जाए, ताकि ये अपना मकान बनाकर जान हथेली पर रखकर जीने का काम ना करें, अपने बच्चों को शांति से जीवन से जीले। और कुटीर के अलावा भी इनके गांव में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को गंभीरता से लें। कई भाइयों के राशन कार्ड नहीं बने, कई की पेंशनें नहीं बनी, और भी कई तरह की समस्याएं हैं। उन समस्याओं के निराकरण के लिए मैं आग्रह करता हूं कि माननीय कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब और मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी इसका ध्यान देंगे और इस मधुखेड़ी गांव के भाइयों की समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सेवक साथी सुभाष बोहत एडवोकेट। आपकी सबकी दरखास्त है, मेरी तरफ से खुद के पैसे से बनाकर मैं एसडीएम, कलेक्टर साहब और माननीय कमलनाथ जी को प्रेषित करने जाऊंगा। मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि आने वाले समय में आपको कांग्रेस पार्टी को हाथ से हाथ जोड़कर अपनी कांग्रेस को जिताना है, और 15, 20 साल, 25 साल से आप भाजपा के लोगों को जिता रहे हैं, लेकिन आपके गांव की हालत 25 साल में क्या है, ये आप खुद देख लीजिए। खिरिया गांव जो छुलेटा पंचायत गंजवासोदा तहसील के अंतर्गत आता है, यहाँ हालत बद से बदतर है। यहाँ मुझे कई लोगों ने अनेकों समस्याएं बताई हैं। शौचालय तक लोगों के पास नहीं है, कुटीरें किसी के पास नहीं आई हैं। आश्चर्य हो रहा है कि 15 साल, 20 साल, 25 साल से भाजपा का विधायक यहाँ है, सांसद यहाँ है और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। लोग यहाँ आते हैं, अधिकारी यहाँ आते हैं और केवल झूठा आश्वासन देकर चले जाते हैं। मेरी माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, मेरा नाम सुभाष बोहत एडवोकेट है। मैं 2018 में आपके यहाँ से पिछला विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं चुनाव हार गया था। हो सकता है ईश्वर की कृपा हुई तो फिर से माननीय श्री कमलनाथ जी का आशीर्वाद मिला, कांग्रेस पार्टी से फिर से मैं हाथ का पंजा लेकर अगली साल जो चुनाव होने वाला है नवंबर दिसंबर में, उसमें मैं फिर से आपके बीच में वोट मांगने आऊंगा। आज मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, माननीय कमलनाथ जी के हाथों को मजबूत करिए, कमलनाथ जी की सरकार बनाइए, कांग्रेस की सरकार बनाइए और कांग्रेस से कुरवाई का विधायक बनाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो जो छोटी मोटी समस्याएं आप मुझे नोट करा रहे हैं या बताएंगे या बता रहे हैं, मैं ईमानदारी से इन समस्याओं को हल कराने के लिए कलेक्टर साहब से बात करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।